He's a disaster. एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है साउथ एशिया में कि इंडिया ने ब्रिटानिया को क्रॉस कर दिया है और इंडिया इस वक्त पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। भाई जब तक इस दुनिया में पैसे हैं पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तार साहब, हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी, ये क्या हुआ कि इंडिया आज ब्रिटानिया को क्रॉस कर गया जिससे आजादी ली थी, और हमारे सारे फेडरल मिनिस्टर एयरपोर्ट्स पे खड़े हुए हैं और वो एड रिसीव कर रहे हैं, तो ये फर्क कैसे हुआ और हम क्यों इतने पीछे रह गए कि आज ब्रिटानिया जो है वो इंडिया से पीछे रह गया। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द शाउटिंग अबाउट। ये पागल हो गए हैं, ये एक एक से इतना नफरत करते हैं कि they've lost their minds। सीमा साहब, इस पे मैं ब्लेम करूंगा लीडरशिप पर। देखिए, कौमों के लीडर हमेशा अगर उनको सही डायरेक्शंस में लीड करें तो उसके रिजल्ट इस तरह के आते हैं जिस तरह की आप बात कर रही हैं। बल्कि इसको भी मैं कहूंगा कि मैंने रिसेंटली मोदी साहब ने अपने लोगों से जब स्पीच दे रहे थे, मैंने उसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा कि उन्होंने कहा कि 2047 तक हम भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मेरी मदद करें। देखिए, दो चीजें होती हैं। जब ये जुनून होता है कौमों के अंदर, कौमियत जब आ जाती है, जाग जाती है, तो फिर वो हर हर्डल को क्रॉस कर जाते हैं। इंग्लैंड में इस वक्त जो है वहां भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बोरिस येल्सन का जो क्राइसिस है वो है, और दूसरा महंगाई, इन्फ्लेशन और कोविड के साइड इफेक्ट्स, और ये सारी चीजें जब आप इकट्ठी करते हैं तो उसमें स्लो डाउन आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि इस वक्त मैं हमेशा ये कहता हूं कि मोदी साहब की मूवमेंट एक नेशनलिस्ट मूवमेंट थी और उन्होंने भारत के बसने वालों को स्टेरॉइड्स पे कर दिया, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि वो अपनी हर हर्डल को क्रॉस कर रहे हैं और उसकी विल रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं कि दुनिया के चैलेंजेस क्रॉस करें। वहां उनकी जो पिछले दिनों सदर का इलेक्शन हुआ, जिस खातून को उसमें प्रेफर किया गया उसको देखें आप, और उसके बाद उनका स्पेस के अंदर जाना भारत का इस वक्त, और दूसरी चीजें जब देखते हैं तो उसमें नजर आता है मोटिवेशन। दे आर चार्ज्ड। इस वक्त मोदी साहब ने ये जरूर किया है कि वहां लीडरशिप में आके उनको चार्ज कर दिया है। दे आर ऑन स्टेरॉइड्स एंड हाई वोल्ट बैटरी है उसपे, और नेशनलिज्म, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और उसमें वो दे आर स्पीडों पे है। अफसोस के साथ आप खैर कह रहे हैं हमारा डीएनए तो सेम है, आप उनकी बात करते हैं, वो तो 1947 से हमारे हमसे अलग हुए, चाइना हमसे बाद आजाद हुआ है, और उसके बाद अगर देखना चाहते हैं चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है, आप देखें तो बांग्लादेश को देखें, वो तो 70s में हमसे हटा है, वो आगे जा रहा है। मुझे तो अब लग रहा है अफगानिस्तान भी आपसे आगे चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उनके हालात हैं, करेंसी आपकी उनसे बेहतर है। लेकिन ये कि हमारा जो ट्रेंड है वो ये है कि अभी जिस तरह IMF की किस पिछले दिनों आई है और जिस तरीके से सैलाब को एक अपॉर्चुनिटी समझा जा रहा है, हमारा माइंडसेट जो है वो लेकर भागना हमारा माइंडसेट है। तार साहब, ये तो हम जिस मुश्किल में फंसे हैं, फंसे ही फंसे हैं। एक इंडिया बड़ी इकोनॉमी होना, चाइना बड़ी इकोनॉमी होना, इसका एक हम पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होना चाहिए था कि दो बड़ी इकोनॉमीज हैं और साढ़े पंजाबी मुहावरा ना, वो आने श्रीका ना मुंह लाल हो गए तो अपना पेट के कर लेता है। मतलब ये कि बंदा मेहनत करता है, दूसरों को देख के करता है। तार साहब, आप तो वॉशिंगटन रहते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है वो इंडियन जो डायस्पोरा काम कर रहा है। सुनने में आया है कि जो स्टारबक्स का जो चीफ है वो कोई इंडियन ओरिजिन के आ गए हैं, तो तार साहब ये कोई पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड में, लंदन में, बर्लिन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ये क्यों नहीं आ रहे? हर जगह इंडियन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं? आप कहते हैं डीएनए हमारा एक डीएनए एक है, लेकिन इंस्टीट्यूशन एक जैसे नहीं ना चीमा साहब। भारत के इंस्टीट्यूशन, उनके उनका उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर देन अस। मैं यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में कई बच्चे आपके देखे जो MBA की डिग्रियां लेकर आए हैं, दो लफ्ज इंग्लिश में नहीं लिख सकते। आपके ला स्कूलों में आज तक आपका ला पहले उर्दू में पढ़ाया जाता था, आज का तो मुझे पता नहीं। तो मुझे ये बताएं कि आपके जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही कोई नहीं है, आपको स्टारबक्स के स्पेलिंग ही ना आते हो आधे पाकिस्तानियों को, तो आपको सीओ कैसे लगाना उन्होंने? मैंने उनके बारे में बड़ा उनके बारे में मैंने पढ़ा उनके बारे में, मेरे लिए खुद शॉकिंग था। और मैं क्या यार, अगे बड़े ने सीओ इंडियन ने एक पीस और आ गया। लेकिन उसमें बात यह है सर, उनका वो लंदन में
बड़ी अच्छी कंपनी को चला रहे थे वो, लेकिन दूसरा अमेरिका के अंदर फैशन भी है, और दूसरा इनका इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज मच बेटर, तालीम पर तवज्जो है उनकी, हमारी तवज्जो पैसे पे होती, फोकस अलग अलग है, और उनका हमारा आज पहले मैं जब जवान हो रहा था चीमा साहब बचपन में पढ़ रहा था, हर किसी से पूछा जाता वो क्या बनना है, वो कहते थे जी मैंने डॉक्टर बनना, क्योंकि उसमें डॉक्टर शार्ट थे, पैसे अच्छे बनाते डॉक्टर। उसके बाद हमारे डीएमजी ग्रुप वाले सीएसएस करके वो छापने लग गए पैसे, तो इस वक्त हर बच्चा कहता था जी मैंने डीएम, और डीएमजी तो थोड़े से होने यार। अच्छा उसके बाद आईटी का इंतमाशा चला कुछ दिहाड़े, तो वो कुछ दिन तो उनके पीछे पड़ गए। आज तक किसी ने कभी सोचा कि मैंने तालीम भी लेनी है तालीम याफ्ता बनने के लिए? हमने जब तालीम को जरब दे दी है डॉलरों के साथ कि इसके बाद बनना क्या है, अब हम तालीम को तालीम समझ के नहीं लेते, हमारे स्टैंडर्ड ऑफ, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस क्या है, हमारा पैमाना सक्सेस का है, अच्छी गाड़ी अच्छा घर, बस इससे ज्यादा कोई, और बल्कि